हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का जो वीडियो लेके आया है 2 इंच का फुल टिक जॉइंट का, आपका फिलअप और फाइनल किस तरह से मारा जाता है। ऑलरेडी इस चैनल में पहले एक वीडियो बना हुआ है जिसमें आपका 2 इंच का रूट हॉट वॉच और इसका मेल्टिंग किस तरह से मारा जाए, ऑलरेडी पहले पार्ट 1 बना हुआ है। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे तो पहले पार्ट 1 को देखिए, तभी इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में सिर्फ आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सिर्फ फिलअप कैसे मारा जाता है और फाइनल कैसे मारा जाएगा, वो भी मूविंग में, कितना करंट में आप मारेंगे, किस तरह से मारेंगे, कैसे आपको मूविंग करना है, किस तरह से, तो फिलर किस तरह से देना है, हाथ को कैसे चलाना है, कैसे मूव करना है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करना है। वीडियो को आपको काट के या स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपका दोस्त का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है केमरजीत और आप देख रहे हैं IBR बिग बॉस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर अभी फिलअप चल रहा है, रूट ऑलरेडी रूट और हॉट पॉच पहले मार दिया गया था, पार्ट 1 उसका वीडियो बना हुआ है। तो यहाँ पर जो IBR मार रहा है उसका नाम है राजेश गिरी, तो उन्हीं के साथ में मिलकर के, दोनों मिलकर के इस वीडियो को हमने बनाया है, दो IBR मिलकर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी किस तरह से यहाँ पर मूविंग यहाँ पर चल रहा है। तो आपको भी इस टाइप का मूविंग मारना है और उनसे डायरेक्ट हम जानेंगे कि किस तरह से मूविंग को मारना है, फिलर कहाँ से देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो करंट हमने लिया है, मेरे दोस्त ने लिया है, यहाँ पर 170 करंट में यहाँ पर वेल्डिंग चल रहा है जो कि फिलअप के लिए है। ये जो वेल्डर है ये ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है तो ये ज़्यादा करंट में मार देगा, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, थोड़ा सा आप कम करंट में ही कोशिश करिए मारने के लिए, ठीक है। 150 में मारिए या फिर 140 में मारिए, धीरे धीरे मारिए। तो ये अगर आप फास्ट मार सकते हैं तो करंट लेकर के मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नया है तो थोड़ा सा कम करंट में मारने की कोशिश करिए। तो फिर चलिए आगे जान लेते हैं। तो सर एक बात बताइए, जब आप एक बार इसको आप मार रहे हैं, एक बार उसको मार रहे हैं, इसका मतलब क्यों ऐसे आप मार रहे हो सर? जैसे कि इसको जब हम मारते हैं ना, अच्छा, वन साइड से, अच्छा, तो ओवर हीट हो जाता है। अच्छा, इसको फिर एक साइड मार के फिर यहाँ से दोबारा चालू कर लीजिए, अच्छा, ये नॉर्मल में आ जाएगा। अच्छा, तब तक ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, ओवर हीट होने से क्या होगा सर? ओवर हीट होने से सर इसमें क्या होता है कि अपना जो वेल्डिंग मार्क है ना, बैठता नहीं है बराबर, थोड़ा अंडरकट ऑक्साइड हो सकता है, अंडरकट भी आ जाएगा, टॉर्च मूविंग मारने से स्लिप भी थोड़ा हो जाता है ना। अच्छा, तो इसका मतलब थोड़ा सा ठंडा करके मारने से अच्छा रहता ना। अच्छा, उस तरह आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम राजेश गिरी। आप कहाँ से हैं? बिहार से, सिवान जिला। सिवान जिला से? अच्छा, बिहार से। तो ये मूविंग मारने के लिए जो शुरू में कोई सीखना चाहेगा, कितना टांगस्टन कितना बड़ा रखना चाहिए इसमें? मतलब अच्छा 4-5 mm, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-5 mm भी रखेगा तो हो जाएगा। यहाँ पर ये फिल्टर नजर है ना उस तरह। अच्छा, अरे सर फिलर कौन से यूज कर रहा था इसमें? फिलर यूज कर रहे हैं 55 B2। अच्छा, 55 B2 का है। अभी इसमें आप उसका क्या मार रहे हैं, फिलअप मार रहे हैं? अच्छा, फाइनल कितना देर बाद मारेंगे या फिर फिलअप होने के बाद तुरंत फाइनल मारना चाहिए सर? तुरंत नहीं फाइनल मारना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट होल्ड करना चाहिए। अच्छा, नहीं तो वो टॉर्च भी स्लिप होगा। अच्छा से वायर ब्रश मार के, ब्लेड मार के फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई अगर नया मूविंग, अगर बहुत आदमी का है कि वो मूविंग नहीं मार पाता है, तो उसके लिए कुछ आप टिप्स बताना चाहेंगे मूविंग के लिए? देखिए, पहले तो प्लेट में चलाना सीखिए। अच्छा, प्लेट में वो भी मतलब ऐसे प्लेट करके, हाँ, 2F में पहले मारना सीखिए। 2F में ऐसे चलाना सीखेंगे ना, अच्छा, तो हाथ खुल जाएगा आपका, फिर जॉइंट में मारना सीखेंगे। अच्छा, धीरे धीरे 2F में मारिए, उसके बाद 3F में जैसे जैसे होगा फ्लैट में मारिए। मतलब पहला जो आपका कहना है कि प्लेट में ये सब में मारिए, तब जाकर के पाइप में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए ना। ठीक है, मूविंग ज़्यादा कोई मतलब वो नहीं है, और कभी भी मूविंग मारते समय पिलर को स्ट्रेट करके नहीं देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अचानक से स्लिप करेगा तो सीधा आपकी उंगली में घुस जाए। अरे, तो टेपर करके ऐसे देने का स्लिप। अच्छा, मतलब थोड़ा सा टेपर देना चाहिए ना, पिलर को टेपर करके, जब स्लिप करे तो आगे तरफ चला जाए टेंशन। क्योंकि जो नया आदमी है तो मैं भी शुरू में देखा हूँ कि स्लिप हो जाता है। अच्छा अच्छा, ओवरहेड में मारने के लिए कैसे मारा जाएगा, थोड़ा सा उसका दिखा दीजिए, बहुत सारे आदमी सीखना चाहते हैं। मारने के लिए ओवरहेड में ऐसे लगा दीजिए। अच्छा, एक बार ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे। अच्छा, अब फिलर को साइड से देना है ना? हाँ, फिलर कैसे देना है थोड़ा सा दिखाइए। ऐसे भी ओवरहेड में उठा सकते हैं ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है सर। फिलर साइड से, फिलर साइड में कभी भी दीजिए नहीं, नहीं तो हाथ में जाकर के बाई चांस स्लिप होता है तो हाथ में घुसेगा। अच्छा, थोड़ा मारिए, मार के दिखाइए कैसे आप मार। देखिए, जब अपने पास कूलिंग वाला मशीन नहीं रहता है ना,
गर्म नहीं है यार, कूलिंग वाला मशीन नहीं रहता है। अच्छा, ऑटोमेटिकली मशीन रहता है तो अपना फिलर चलाने के लिए फिलर का शॉर्ट कर लीजिए। अच्छा, तो क्या होता है इस तरह पॉइंट का जो आगे वाला हिस्सा है टूटने से बच जाता है। अच्छा, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फिलअप चल रहा है। तो कभी भी अगर आप फिलअप मारते हैं तो फिलअप मारने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है 15 से 20 मिनट, जब ठंडा हो जाएगा तब जाकर के आपको फाइनल मारना है उस्ताद का जो कहना है। और मैं भी जहाँ तक जानता हूँ वैसे ही मारना पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यू अगर एक जॉइंट का मारेंगे तो उसमें आपका अंडर कट आने का चांस है, इसमें आपका टॉर्च स्लिप हो जाएगा, उसके बाद साइड में आपका प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा सा अंडर कट आने का ज़्यादा चांस रहता है। तो फ्रेंड्स इसी टाइप का आपको भी मारना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फिलअप चल रहा है, फिलअप जस्ट कम्प्लीट होने ही वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलअप अभी कम्प्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद अभी आपको वीडियो को काटना नहीं है, स्किप नहीं करना, आपको फाइनल भी दिखाएंगे कैसे आपको फाइनल मारना है। तो अभी फिलअप देखिए, जैसे फिलअप कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा सा आपको ब्लेड ब्रश मारना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ब्लेड मारा जा रहा है, तो ब्लेड थोड़ा सा आपको मारना ही है, ब्लेड नहीं मारेंगे तो उससे कचरा ज़्यादा फंसता है। ब्लेड मारने के बाद ब्रश मारिए, अगर आपके पास बाफिंग मशीन है तो और अच्छा होगा। ठीक है, अगर बाफिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ब्लेड और ब्रश मार के आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं आप, अभी हम 15-20 मिनट बाद आ गए हैं यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर फाइनल स्टार्ट हो गया है। तो फाइनल मारने के लिए यहाँ पर करंट थोड़ा सा आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है, 170 तक करंट को ले करके ऐसे मार रहा है धीरे धीरे। तो थोड़ा सा उस्ताद ज़्यादा दिन का एक्सपीरियंस है, तो ये 170 आपका 175 180 या फिर 180 तक ले करके मार सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आपका कम है तो थोड़ा सा आप कम करंट में मारिए, 160 में मारिए तो धीरे धीरे मारिएगा थोड़ा सा, या फिर 150 में मारिए। ठीक है, आपको जैसे सुविधा पड़े, ठीक है, आप किसी का देख करके वो उतना में मार रहा था हमको भी इतना ही मारना है ऐसे नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये जो ट्रैवल स्पीड हो ट्रैवल स्पीड के साथ आपका करंट का बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट रहता है। अगर हाथ कितना स्पीड है, देखिए वीडियो को मैंने कोई फास्ट नहीं किया है, ये ऐसे ही मार रहा था, इतना स्पीड में अगर आप मूविंग मार सकते हैं तो फिर आप 170 करंट में मारिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर स्लो मारते फिर आपको करंट भी कम लेना पड़ेगा। मेरा कहने का जो मतलब है, अगर तो आप हाथ आपका जो हाथ है थोड़ा सा स्लो चलता है तो थोड़ा सा अगर ज़्यादा कम बेसी नहीं होता है करंट का, जस्ट आपका 10-15 या फिर 20 करंट का कम बेसी रहता है, बहुत ज़्यादा जो करंट का डिफरेंट आएगा वो नहीं है, करंट थोड़ा सा कम बेसी रहता है। तो अगर आप इतना स्पीड में मार सकते हैं तो फिर ये आप 170-180 में मारिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप आपका हाथ थोड़ा सा स्लो चलता है तो फिर जा कर के आप थोड़ा सा 160 में या फिर 150 में मारिए। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मूविंग मार दिया है, एक लेयर पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें मल्टी राउंड में फाइनल होने वाला है, क्योंकि इसका थिकनेस है 8 mm। अगर आपका थिकनेस थोड़ा सा कम रहता, मान के चलिए इस जॉइंट का थिकनेस अगर 4 mm रहता या 3-4 mm रहता तो एक राउंड में सिंगल राउंड में ये कम्प्लीट हो जाता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थिकनेस पाइप का ज़्यादा है तो इसमें 2 layer में फाइनल को मारना है, कैपिंग को 2 layer में मारना है, मल्टी राउंड में मारना है। तो 1 layer यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने 1 layer पहले इस साइड वाला जॉइंट को मार के छोड़ दिया है, और करंट की बात करो तो यहाँ पर 171 करंट में अभी वेल्डिंग चल रहा है, तो एक लेयर कंप्लीट कर दिया है एक जॉइंट का, फिर दूसरा जॉइंट पे 1 layer कंप्लीट यहाँ पर चल रहा है। तो तब तक क्या होगा, जो पहले मारे वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर जा करके आप दूसरा लेयर में वेल्डिंग स्टार्ट करिए, तो जा करके आपका अंडरकट भी नहीं आएगा और टॉर्च भी थोड़ा सा कम स्लिप होगा। और फिलर अगर कभी भी आप मूविंग मारते हुए देते हैं तो कोशिश करिए साइड से देने के लिए, नहीं तो कभी भी थोड़ा सा अगर बाई चांस टॉर्च स्लिप हो जाता है, स्लिप हो भी जाता है काफ़ी बार, मेरे से भी टॉर्च स्लिप हो गया है, तो उसमें टांसटन उतना हमको तो लगा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस साइड का फाइनल हो गया है, अभी अपोजिट साइड का 1 layer और मार देगा तो ये जॉइंट प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको भी ऐसे ही मारना है, ठीक है, आपको ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, आराम से मारते जाइए, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आपका भी हो जाएगा, मूविंग हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा आपका, बस वीडियो देखते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और आप जहाँ पर भी काम सीख रहे हैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है डेली, आपको भी प्रैक्टिस करना है, और कोई वेल्डर अगर अगल बगल में है जो आप मार रहा है तो उसका आपको देखना है, फॉलो करना है। ठीक है, आप कितना भी वीडियो देख लीजिए जल्दी आप नहीं सीख पाएंगे जब तक आप अपने हाथ में प्रैक्टिकली मार के नहीं देखेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स कभी भी अगर आप 2 inch का जॉब मारते हैं तो थोड़ा सा फिलर को भी साफ कर लीजिए MRE पेपर से, उसके बाद ब्रास मारिए, ठीक है, ब्लेड मारिए, तब जाकर के फाइनल को मारिए। और यहाँ पर अभी 150 देखिए 150 से 170 180 में मार रहा है, तो आपको जितना सुविधा होता है आप करंट को कम बेसी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, कभी भी अगर आप जॉब मारते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा पीस मारिए, कहीं में अगर सीख रहा है ट्रेनिंग सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और डेली प्रैक्टिस करिए, नए नए के छोड़ छोड़ के, तो फिर आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए ज़रूर, और वीडियो में और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आपको हमको पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन, वीडियो अगर दिल से पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।